ऐसी हमारे बीच में सौभाग्यवती गीता जी शर्मा भी उपस्थित है, उनसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। गीता जी गोपाल शर्मा वो कृपया मंच पर आ जाए। रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मेरी आवाज पहुंच रही है मिसेस शर्मा? गीता गोपाल जी शर्मा, शायद मेरी आवाज उन तक के नहीं पहुंच रही है। चलिए सत्कार की इस श्रृंखला को शाब्दिक स्वागत पूनम चंद जी मालू, श्रवण जी मालू, अनीता जी मालू इनका। और कल आपको पंडित जी ने बताई दिया कि कल अलका श्री जी यहाँ पर आने वाली है। हमारे बीच भूतपूर्व नगर सेवक हितेश जी जोशी भी उपस्थित है, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि कृपया मंच पर आए और पंडित जी से गुजारिश करूँगा कि उनका सत्कार करें। श्री हितेश जी जोशी, अब हम आरती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इससे पहले बर्डी में जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और यहाँ रहना था, सामने दिख रहे भाभी जी कलकत्ता वाला, हाँ हमारे बाबा के भक्त, आइए आइए, मुझे बहुत सालों के बाद आप दिख रहे हैं इसलिए बुला रहा हूँ। बाबूजी अब नहीं रहे ये मुझे पता चला था बीच में, मैं दुख प्रकट करने जा नहीं सका, लेकिन रामदेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा उनके मन में थी ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ इनसे। ये कोई यजमान नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, आज कथा में पहली बार आई तो मैं इनसे और हमारे कैलाश चंद्र जी शर्मा के घर से भाभी जी से निवेदन करूँगा कि ये एक पुष्पमाला उन भक्तों का स्मरण जो रामदेव जी के प्रति अंतिम क्षण तक टिके हुए थे, उनको पुष्पमाला पहनाना है। लीजिए, तुम्हारा बाबा ने माला, बाबा को माला पहनाती हुई बड़े प्यार से, तुम्हारा बाबा ने माला पहराओ ना बहने, हमारा बाबा ने माला पहराओ, बाबा ने माला पहराओ ना भाभी जी, हमारा बाबा ने माला पहराओ, रामा धनिया को मान बढ़ाओ, हो हमारा बाबा को मान बढ़ाओ, क्योंकि राजस्थान का राजा है, गुनीचा का महाराजा है, राजस्थान का राजा है, परिवार आज के श्रृंगार के यजमान भगवान दास जी हर्ष हर्ष हर्ष, इनसे निवेदन है पूरे परिवार को जल्दी से लेकर बाबा का श्रृंगार करें करें। हो तुम्हारा बाबा को श्रृंगार कराओ ना ओ हर्ष जी, बाबा ने हार पहरा, हो ओ शिखर भैया बाबा ने हार पहनाओ, हो रामा धनिया ने हार पहनाओ, हो हमारा बाबा ने हार पहनाओ, क्योंकि राजस्थान का राजा है, गुनीचा का महाराजा है ये, राजस्थान का राजा है ये, गुनीचा का महाराजा है। ओ हमारा बाबा पैसो
बरसाओ ना बहन मारी बाबा पे सुगंधी बरसाओ हो मारा बाबा पे सुगंधी बरसाओ ना भाभी जी मारा बाबा पे सुगंधी बरसाओ हो रामा घनिया ने तुरो लगाओ हो मारा बाबा ने तुरो लगाओ राजस्थान का राजा है मुनीचा का महाराजा है राजस्थान का राजा है मुनीचा का महाराजा है तुम्हारे बाबा ने भोग लगाओ ना ओ कनक दस बाबा ने भोग लगाओ हो रमा धनिया ने भोग लगाओ हो मारा बाबा ने भोग लगाओ क्योंकि राजस्थान का राजा है ये मुनीचा का महाराजा है राजस्थान का राजा है लूणीचा का महाराजा है हो चढ़ाओ ना भगत मारा बाबा को माने बढ़ाओ मारा बाबा ने छतरी चढ़ाओ ना भगत मारा बाबा माने बढ़ाओ राजा बनिया को माने बढ़ाओ ओ मारा बाबा ने छतरी चढ़ाओ राजस्थान का राजा है मुनीचा का महाराजा है राजस्थान का राजा है मुनीचा का महाराजा तुम्हारा बाबा ने गहना पहराओ ना भाभी जी मारा बाबा ने गहना पहराओ पहराओ ना भाभी जी मारा बाबा ने कहना पहराओ मारा बाबा ने कत्यार पहराओ ना मालू जी मारा बाबा ने कत्यार पहराओ हो रामा धनिया को मान बढ़ाओ हो मारा बाबा ने बीन बढ़ाओ क्योंकि राजा ही पूछा जाता है ये ऐसा ही जाना जाता है दूल्हा भेष में मिलता है ये ऐसा ही जाना जाता है ये भगत मारा बाबा को माने बढ़ाओ हो मारा बाबा ने फल फूल खुआओ ना भगत मारा बाबा ने पहले सी जोशी ओ मारा बाबा को माने बढ़ाओ ना भगत मारा धनिया को माने बढ़ाओ धनिया ने मेहंदी लगाओ हो मारा बाबा का हाथ मंडाओ क्योंकि राजस्थान का राजा है
राजा का महाराजा है ये, राजस्थान का राजा है ये, रूणी चाक महाराजा है ये। अरे हम तो तेरे सेवक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे सेवक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे भक्ति बाबा बरसों पुराने, हम तो तेरे भक्ति बाबा बरसों पुराने। अरे हम तो तेरे सेवक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। अगर ध्यान से सुना होगा आपने, महारा बाबा ने छत्र फेराओ, इत्र बरसाओ, सुगंधी बरसाओ, क्योंकि सुना ना आपने, क्योंकि राजस्थान का राजा है ये, रूणीचा का महाराजा है ये। राजा महाराजाओं पे छत्र चलता है, सुगंधी बरसती, सेंट डियो वगैरह मार सकते क्या हमारा साधारण आदमी? कभी मेरे में से निकली के डियो सुगंध देखा कहते नहीं, क्योंकि इत्र छत्र सुगंधी ये सब राजा महाराजाओं के लिए भगवान ने उनकी सेवा में कृपा, भगवान की कृपा होती है तभी ये सब साधन जुड़ते हैं। बिना भगवान की कृपा के किराए के मकान में आदमी की जिंदगी निकल जाती है, ईश्वर की कृपा है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि महारा बाबा ने मेहंदी लगाओ, क्योंकि ऐसा ही पूजा जाता है ये, ऐसा ही जाना जाता है, दूल्हा भेष में मिलता है ये, ऐसा ही पूजा जाता है। रामदेव जी महाराज ने जिसको भी दर्शन दिया दूल्हे के भेष में, तुर्रा के लंगी धारी, हाथ में बाला, केसरिया बागा पेरियो बाबू मिलियो, दल्ला सेठ ने मिलियो, ठुकराइन ने मिलियो, हरजी बाटी ने मिलियो, रानी रूपादी ने मिलियो, जब भी दर्शन दिए बाबा ने, इसलिए ऐसा ही पूजा जाता है। ऐसा भगवान द्वारकाधीश का मंदिर में जाओ बटा मेहंदी वेहंदी को नहीं लागे, लेकिन रामदेव जी को ब्यावला में 3 बार मेहंदी बांटे। ऐसे ही एक और श्रद्धा से श्रृंगार है उसका, और बहुत प्यारा श्रृंगार है, और ऐसे भक्त के हाथ से करवाऊंगा जो नाचते हुए आएगा और बाबा को पहनाएगा। सबसे अच्छा श्रृंगार, बाबा को चादर चढ़ाई जाती है, मरधर के बेदशाह को पीरों का पीर की उपाधि देने वाले मुस्लिम समाज में आज भी श्रद्धा से रामदेव जी को चादर चढ़ाकर रिझाया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा मेरे भक्त से कि जब और जाति समाज के लोग कर सकते तो ये तो बाबा हमारे अपने हैं। मारवाड़ ध्यावे थाने कोडेवाड़ ध्यावे, हम मारवाड़ ध्यावे थाने कोडेवाड़ ध्यावे, अरे आखो गुजी रात खम्मा खावे जियो, खम्मा 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 रे कवरे अजमालरा, खम्मा तारो पार नहीं बाबा जियो, खम्मा 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 रे कवरे अजमालरा। जोई जोई धावे मारे बाबो पे गो आवे, जोई जोई धावे मारे बाबो पे गो आवे, मारा बाप जी तो पर जा धारी जियो, खम्मा 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 रे कवरे अजमालरा, दारो पार नहीं पावा जियो, कम्मा 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 रे कवरे अजमाल राम राज कमार की जय। तो ऐसा एक सम्मान मेरे अपने मित्र के हाथों से, जिसने यहाँ का बहुत कुछ काम संभाला, 56 भोग की पूरी तैयारी,
जजमान तो थे दूसरे, लेकिन इन्होंने तैयारी भी तो जरूरी है, जजमान से थोड़ी, जजमान तो सब मिल गया, जट भी गए हो। सिर्फ मैंने महाप्रसादी के लिए किसी को कमिटमेंट नहीं किया कि भाई नहीं, प्रसादी बाबा के भक्तों की ओर से होगी, जितना वहाँ पे राशि आएंगी उसमें दाल बनो, चावल बनो, सब्जी बनो, एक मिठाई बनो, पांच मिठाई बनो, जो भी। श्री रामदेव विष्णुपाद महायज्ञ में आहुति लग रही है 12 साल बाद, 12 साल पहले हुआ था यज्ञ टेकड़ी मंदिर पे, उसके बाद आज हो रहा है, आज यानी इस कथा के समापन पर। उस यज्ञ में प्रसादी जो भी चढ़ेगी, जितनी यहाँ पर राशि आएगी उसकी प्रसादी बनेगी और बाबा को भोग लगेगा। आपकी जो भी इच्छा हो आप अवश्य लिखाइए अपनी शक्ति भक्ति अनुसार। जबरदस्ती का सौदा 20 में से 14, अनमन्या मन से कोई काम नहीं करना, जो मन में आए जरूर लिखाओ। राम साफिर मित्र परिवार का भक्त लोग है, लेकिन मैं आवाज दे रहा हूँ श्री जयेश जी लाखानी को, जिन्होंने 56 भोग की व्यवस्था को अच्छे से संभाला, हर भक्त के हाथ में प्रसाद गया और ये थोड़े से बच्चे भी है। ये पान बाबा के 56 भोग के हैं, मैं आरती के पश्चात आप सभी से निवेदन करूंगा अवश्य लिए, लेकिन जयेश जी लाखानी इनसे निवेदन है। तुम्हारा बाबा ने चादर चढ़ाओ ना भगत, तुम्हारा बाबा ने चादर चढ़ाओ, चढ़ाओ ना जयेश भाई बाबा ने चादर चढ़ाओ, हो हमारा बाबा ने चादर चढ़ाओ ना तो लखानी जी बाबा को माने बढ़ाओ, हो रामा धनिया को माने बढ़ाओ, हो हमारा बाबा ने चादर चढ़ाओ, का भी पीर है ये, हाँ यही रामा पीर है ये, पीरों का भी पीर है ये, हाँ यही रामा पीर है ये। चढ़ाओ और बोलिए भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे झोली मेरी रूनी चाके राजा, तेरे दर से जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी रूनी चाके राजा, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, ओ भर दे झोली मेरी रूनी चाके राजा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी रूनी चाके राजा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, ओ तेरे दर से न जाऊंगा खाली, 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 भर दे झोली भर दे झोली, भर दे झोली मेरी रूनी चाचे राजा, तेरे पर से न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी रूनी चाचे राजा, तेरे पर से न जाऊंगा खाली, बोल राम राज कुमार की जय। और आज की आरती के जो जजमान है
उनसे निवेदन है, श्री राम लक्ष्मण जहांगीर परिवार बाबा की आरती उतारने के लिए यहाँ पे आए, बाकी आरती की तैयारी हो रही है, आप वहीं बैठ रहे हैं, आप आ जाइए जहांगीर परिवार। मैं निवेदन कर रहा हूँ आज के दैनिक यजमान में जो भैया परिवार से है उनसे कृपया ऊपर आए। हाँ किशोर जी भैया, श्री ओम प्रकाश जी भैया, किशोर जी भैया, प्रीति भैया, पूरे भैया परिवार जो आज के हमारे यजमान थे उनसे गुजारिश है कि कृपया मंच पर आ जाए। किशोर बाबू से गुजारिश है ऊपर आए, साथ में प्रीति जी भी आए, और इनको स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रवण जी मालू और अनीता मालू को, कृपया मंच पर आए। हमारे जो दैनिक यजमान है इन्होंने इस पितृ पक्ष के अंदर में अपनी माँ के नाम पर स्वर्गीय पद्मा देवी की स्मृति में रमनलाल जी, ओम प्रकाश जी, किशोर एवं जगदीश भैया परिवार की ओर से आज के हमारे दैनिक यजमान थे जिनका सत्कार श्रवण जी और अनीता जी कर रहे हैं। कल कथा का आखिरी दिन और कल विशेष कथा बाबा रामदेव जी की चिरंजीव समाधि का संगीतमय कथामृत ये पंडित जी के मुखारविंद से हम लोग सुन पाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अब आरती की तैयारी चल रही है, आप सब अपने स्थान पर ही बैठे रहें, सब अपने स्थान पर ही बैठे रहे। हमारे कार्यकर्ता जो है वो थाली, आरती की जो थाली है वो आपकी सीट तक के पहुंचा देंगे, इसलिए आप वहां से हरो मत, कोई भी सामने मत आओ, सिर्फ हमारे जो यजमान है दैनिक यजमान और आरती के यजमान सिर्फ वही लोग यहां सामने आए। जिन लोगों की इच्छा है कि इस कथा के अंदर में हमारी सहयोग राशि लिखवाना है उन लोगों को मैं जानकारी दे दूँ कि पीछे हमारा एक काउंटर लगा हुआ है जहाँ पर श्री गुणवंत भाई चौहान और श्री मुंद्रा जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे अपना नाम लिखवा सकते हैं। मनोज जी मुंद्रा, प्रवीण भाई चौहान और अशोक जी सोनी, ये चार जने जो हमारा कार्यालय देख रहे हैं वहाँ पर आप अपना योगदान वहाँ पर लिखवा सकते हैं। आज एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, भगवान द्वारकाधीश राजस्थान मरधर प्रदेश में रामदेव के रूप में क्यों प्रकट हुआ से लेकर के क्यों समाधि लिया तक की कथा, अभी का आगे की कथा अगले साल उसी पितृपक्ष में समाधि के बाद। दल्ला सेठ को पर्चा, हरजी भाटी को पर्चा, रानी रूपा दे को पर्चा, कई प्रकार के बाबा के प्रसंग हैं जो पूरे 7 दिन चलते हैं समाधि के बाद, या आज समाधि तक हो जाएगा इस पितृपक्ष में। तो मैं निवेदन कर रहा हूं समाधि क्यों लेनी पड़ी, पहली बात तो ये, हम यहां तक आए आज डाली बाई की कथा से लेके डाली बाई की समाधि, उसके बाद रामदेव जी द्वारा कल्लू कसाई को पर्चा और भाभी को पर्चा, अब इसके बाद कल का अंतिम सत्र है 7वां दिन, रामदेव जी को समाधि क्यों लेनी पड़ी, समाधि का विधि विधान क्या है, किस तरह से समाधि ली जाती है, और बाबा के चिरंजीव समाधि होने के बाद उसके बाद जो पर्चे हैं वो ये कि तवरों ने वापस समाधि खुदवाई, ये हुआ वो हुआ, वो बाद में का विषय, अगले वर्ष की कथा वहां से शुरू होगी जो 7 दिन चलेगी। तो निश्चित रूप से कुछ भक्तों ने मुझे इच्छा जताई है कि हम यजमान बनना चाहते हैं अगले पितृपक्ष में, कोई माता के कोई पिता के स्मृति में जो भी है वहां पर अपना नाम लिखा दीजिए। कल 4-5 भक्तों ने बोले थे कि अगली साल की कथा के लिए मैं किससे संपर्क करूं, तो उसका जवाब ये है कि आप वहां पर जो सामने कार्यालय है छोटा सा लगा है कि तन मन और धन की सेवा यहां अपेक्षित है, तो वहां पर आप अपना नाम लिखा सकते हैं, फोन नंबर लिखा सकते हैं, राशि देना नहीं है, मैंने राशि भी किसी यजमान से ली नहीं है, वो यजमान आए बैठे पूजा की न्योछा और राशि का संकल्प किया उसके बाद उनसे राशि ली, एडवांस में किसी से राशि ली नहीं, सबका सिर्फ मन का सहयोग लिया हूं और सबने अपना अपना कार्य किया है, हर यजमान ने अपने पूजा का धर्म निभाते हुए न्योछावर राशि अर्पण किए, इसलिए अगले साल की कथा की राशि अभी नहीं देना, अगले साल जिस दिन कथा में अपना नाम आएगा उस प्रसंग के समय वो देना है, सिर्फ आपकी इच्छा है तो आप नाम लिखा दीजिए।
जिन्होंने भी कल मुझसे संपर्क किया था अपने नाम लिखा सकते हैं। बाबा की आरती के लिए मैं कहता हूं किसी भी देवी देवता की आरती हो, जब भी आरती करो तो उनके चरणों की चार बार, नाभि की दो बार, त्रिकुट की एक बार और उनके सर्वांग की सात बार आरती उतारनी चाहिए। ये आरती का नियम है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि नियम के साथ किया गया हर कार्य परिणाम देता है। परिणाम को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे आज की कथा के यजमान, छठवें दिवस के इस कथामृत के यजमान भैया परिवार की ओर से किशोर जी मंच पर आ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा हर्ष परिवार से कोई भी एक जोड़ा, हर्ष परिवार से कोई भी एक जोड़ा मंच पर आकर आरती करें और बाकी सभी अपने रिश्तेदार मित्र परिवार भगवान की आरती नीचे से करें। इसके अलावा महाआरती के यजमान लक्ष्मण जी जांगिड़, उनसे निवेदन है एक जोड़ा आप भी मंच पर आए। दिव्य कलश के यजमान श्री रामजीवन जी जाजोदिया एवं नरेंद्र जी जोशी, इन परिवार के किसी भी एक जोड़े से निवेदन है कृपया मंच पर व्यासपीठ के ऊपर से आप आरती करें। और हाथ प्रसादी के आज के हमारे यजमान श्री देवीलाल जी नारायण जी अहिर परिवार गिट्टी खदान से अगर कोई आया है उनके परिवार से तो उनसे निवेदन है कोई भी एक जोड़ा अपने परिवार से रामदेव जी की महाराज की आरती करें व्यासपीठ से। और बाकी सभी भक्तों से निवेदन है रामदेव जी महाराज के 108 दीप जलाकर नित्य पिछले 5 दिनों से रामदेव जी महाराज की ऐसे ही 108 दीप से आरती हो रही है। आज का छठवां दिन, आज भी 108 दीप सज के आपके हाथों में तैयार हैं, कल भी ऐसे ही 108 दीप सजाकर बाबा रामदेव जी महाराज की आरती की जाएगी। मैं निवेदन करता हूं अपनी हाजिरी दर्शाते हुए महाआरती छठे दिन की दोनों हाथ उठाकर बड़ा चमाले घरी अवतार की। आज खेम शंकर जी सेवक, इन्होंने बाबा का स्वरूप धारण किया है। ये मेरी बेटी, वैसे हनुमान जी शर्मा की बेटी कहलाती है लेकिन मैं अपने अंतकरण से अपनी बेटी मानता हूँ, वाड़ी निवासी। इन्होंने डालीबाई का, दीपाली अग्रवाल ने, इन्होंने कल कुमारी डालीबाई का जन्म ली थी जनडाल बैकवर संघ का, उनका स्वरूप आज की डालीबाई का समाधिस्त होने वाली डालीबाई उनका स्वरूप दीपाली अग्रवाल ने निभाया। खेम शंकर जी ने बाबा का स्वरूप निभाया। आज अगर कुछ भक्तों ने गलती से समाधि को रिकॉर्ड किया भी होगा, देखिए मैं रिकॉर्डिंग से नहीं डरता लेकिन आपको एक बात बता दूं, किसी भी जम्मा गायक से पूछ लीजिए जिसको थोड़ी भी जानकारी होगी, रामदेव जी के परचे जन्म ब्यावला गाया जाता है लेकिन रामदेव जी की समाधि कहीं गाई जाती नहीं। किसी के घर में अगर विशेष रूप से कोई बीमार है जिसका जीना परिवार के लिए और स्वयं के लिए बहुत हानिकारक है, ऐसी परिस्थिति में रामदेव जी की समाधि गवाई जाती है क्योंकि 24 घंटे के अंदर भख लेती है समाधि, इसलिए बाबा की समाधि जगह जगह गवाई जाती नहीं। विधि विधान से कल आपको दिखेगा समाधि का विधान क्या है, 7 नदियों की रेत, 7 कुओं का जल, 27 वृक्षों के पत्र के साथ रुद्राक्ष का आसन बनाकर एक घी का दीपक, चांदी का दीपक, तेल और घी के दीप को जागृत कर बाबा की जोत लेकर रामदेव जी के समाधि का गान होगा जो किसी भवन या मंदिर में ही गाई जा सकती है। विधि विधान के साथ करने का कार्य है, विधि में गड़बड़ न हो इसलिए किसी के घर में नहीं गाई जाती। आप किसी को बुलाइए, उसी समय गवाई जाती है जब उस व्यक्ति का न होना परिवार के लिए उचित हो, शहर के लिए उचित हो, गांव के लिए उचित हो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो डिलीट कर देना या सुनकर अपने ही पास रखना, बाकी आके आपकी मर्जी। तो अहिर परिवार की ओर से आज की हाथ प्रसादी है तो आप अवश्य पधारे। हाथ प्रसादी वालों ने जिसने जो भी इच्छा अनुसार लाया हूं, पत्रिका में नाम दिया हूं लेकिन सम्मान पूरा है, उस दिन मारुठिया परिवार की तरफ से 500 लड्डू आए बांटे गए, उनका नाम पत्रिका में दिया गया। आज 2000 लड्डू कल पूनम जी बिश्नोई ने भेजे बंटवाए गए। आज अहिर परिवार की ओर से पांच पीपे क्या प्रसाद लाए हैं लड्डू जो भी है
वो अवश्य लेकर जाए। तो आइए बाबा की आरती के साथ चमर ढुलाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। विशेष रूप से चमर बाबा की सेवा रहती है। मैं किशोर जी मुंदड़ा हमारे बाबा के निवेदन है। किशोर जी आइए जल्दी से, देर मत लगाइए, उनसे निवेदन है बाबा को चमर ढुलाए। और पहले जी जोशी इनसे निवेदन है दूसरा चमर बाबा के उस प्रतिमा की ओर। देवी लाल जी अहिर की तरफ से तो आइए सब मिलकर बाबा की आरती करते हुए बोलिया करूं आरती आपकी बाबा कर लीजो स्वीकार मैना डेरा लाडेला उन्हें तलरा भरता रामा श्यामा आव जो हो प्रभु हुई घुड़ले अशिवारी हेलो मारो सांभरो तलरा भरे तार बोल रहा महाराज कार की जय। पिछम धरा सुमारा बाप जी पधारिया पिछम धरा सुमारा बाप जी पधारिया मंगे अवतार पियो लाचा भाई सुखना भाई करे हर की आर बोलो हरे जी भाटी चवर ढोले बैठो ना मेरा होवे हर की आरती चोपड़ा हो केसर कुमकुमरा भरारे चोप हरा राम देव जी तिलक करे अच्छा भाई सुखना भाई करे हर की आरती हरे जी भाटी चवर ढोले बैठो ना मेरा माहो में हर की आरती राम देव बाबो स्नान करे
अच्छा भाई सुगना भाई परे हर की आर बोलो हरे जी भाटी चवर ढोले बैठो ता मेरा मन होवे हर की आर ధ్యాన గమ్యం వందే
दर्शनम अवभय हरणम सर्वलोकै त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव मम देवदेव सलिया ना सरे तुम्हारे माथा रा सिरे नो बलराम राज कुमार की अजमल घर अवतार